बुध और बृहस्पतिवार को हमने नाड़ी परीक्षण, जो लोग बहुत ज़्यादा रोगी हैं, जो ज़्यादा परेशान हैं, हमारे सेंटरों में आकर नाड़ी परीक्षण कराकर अपना इलाज करा सकते हैं, आयुर्वेदिक भी, योग द्वारा भी और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा भी। तो जो हमारा बॉम्बे का सेंटर है, जो पूना का सेंटर है, मेरठ का सेंटर है, उल्लासनगर का सेंटर है और दिल्ली का सेंटर है और ग्वालियर का सेंटर है, तो इनमें आके आप अपना नाड़ी परीक्षण बुध और बृहस्पतिवार को, क्योंकि यहाँ पर हमारे पूरे डॉक्टर बैठे रहते हैं बुध और बृहस्पतिवार को, तो आकर अपना नाड़ी परीक्षण कराएं और वैदिक उपचार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो दो परिवारों से हमने आपको मिलवाया, इससे पहले हस्बैंड वाइफ से जो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे थे, साथ ही साथ ये दोनों महिलाएं, सबका तो बंसल यही कहना है घर में बहुत सुख शांति है, क्योंकि ये भी 3 साल से उपाय कर रही हैं और मतलब झगड़े जो हैं वो कम हो गए हैं, काम नहीं रुकता किसी का भी और बिजनेस जो बंद पड़ा हुआ था वो बिजनेस भी चलना शुरू हो गया। देखो हम तो यही तो कहते हैं भी वैदिक उपचार आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानी को दूर करने में सहायक है। देखो अभी इन्होंने उपचार किया, हालांकि टीवी पर देख कर करते थे, अभी इतने दिन से इतना अब दर्द था तो दवाई लेने भी आगे इलाज करने, क्योंकि मैं अमरावती गया तो अमरावती के शिविर में देखो हमने मिलवाया, पेशेंटों से मिलवाया, देखो ये तो अमरावती के महाराष्ट्र में और कितनी दूर थे, कितनी इनका श्रद्धा भाव थी। अब देखो उपचार कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ पूरे भारत में, क्या चाहे इंग्लैंड है चाहे अमरीका, वहाँ भी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ वैदिक उपचार एक बार करके देखें। अगर आपके घर में आर्थिक परेशानी है, घर में झगड़ा, लड़का कहना नहीं मानता, मोटरसाइकिल चलाता है, घर में देर से आता है, कहना ही नहीं मानता, एक बार करके देखें, हो सकता है आपके जीवन में भी परिवर्तन आ जाए। बिल्कुल, लोग तो कहते हैं कि इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों को भी, क्योंकि हमें लाभ मिला है तो लोगों को भी लाभ मिलेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि भाई मेरे कहने पे मत जाइए, कम से कम इन लोगों की तो सुनिए, इनको किस तरीके से लाभ हो रहा है, कितना ये लोग लाभ उठा रहे हैं। घर में जो झगड़ा होता था वो बंद हो गया, कारोबार अब ठीक से चलने लगा है, हर एक चीज़ मतलब बहुत बढ़िया तरीके से होती चली जा रही है। किया किसने? सिर्फ वैदिक उपचार ने और उन उपायों ने, क्योंकि वैदिक उपचार के अंदर मंत्रों का समावेश है। जो आपको उपाय बंसल जी बताते हैं वो ग्रहों से संबंधित उपाय हैं, जो कि आपके ग्रहों की डिग्रियों को बिल्कुल परफेक्ट करके रखते हैं। देर मत कीजिए, एक बार मंगाइए वैदिक उपचार सेट, मंगा के देखिए सिर्फ एक बार। आपकी जो भी परेशानी है शेयर कीजिएगा, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और वैदिक उपचार को एक बार ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सरिता जी जुड़ गई हैं कैथल से हमारे साथ, कॉलर, स्वागत है सरिता जी आपका। हेलो, हाँ जी, बात कीजिए आप बंसल जी से। हाँ जी नमस्ते डॉक्टर। हाँ नमस्कार सरिता जी, बताएं। हाँ जी डॉक्टर, मैं आपका प्रोग्राम कम से कम 4 साल से देख रही हूँ, मैंने आपका फैटिक अमृत भी यूज किया है, शुगर फिट भी यूज किया है। हाँ जी, मतलब ये सब मैं रूटीन में ही कर रही हूँ। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, तो कहीं ना कहीं काफी फर्क भी पड़ा, आपका प्रोग्राम जो है दी बेस्ट। अरे वाह, थैंक यू। हाँ तो डॉक्टर, अब मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरा जो है मेनोपॉज स्टार्ट हो चुका है। हाँ अब वेट भी बढ़ेगा, पर मुझे फैट की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ नहीं वो तो अब बढ़ेगा, क्योंकि ना शारीरिक परिवर्तन तो आता ही आता है, पेट पर वैसे ठंडी पट्टी बांधते रहना, हर 3 घंटे बाद आधा कप गर्म पानी पीना, उससे क्या होगा वेट नहीं बढ़ेगा, नहीं तो क्या होता है मेनोपॉज में पेट बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि एक प्रकृति की प्रक्रिया होती है तो वो चलती रहती है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन बढ़ेगा नहीं आपका, मतलब जैसे 100% बढ़ेगा तो 50 पर ही रुक जाएगा, इतना रहेगा, फिर धीरे धीरे कम भी हो जाएगा, ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा दिया लगाया आपने सरिता जी, ये बताओ पहले, दिया डॉक्टर मैंने एक बार पहले लगाया था। हाँ जी, तो एक बार अब लगाया, अब जो दिया लगाया था ना भाई, एक्चुअली मैं किराए के घर में रहती तो वहाँ मुझे दिशा नहीं सही पता चली। अच्छा अच्छा, तो वो मेरा खंडित हो गया, अब आगे फिर जनवरी में ही लगाऊंगी मैं। अच्छा नहीं, पहले जब लगा जब क्या लाभ मिला? नहीं पहले से तो बहुत फर्क है, पहले मेरे बच्चे बहुत लड़ते थे, बट ये है कि डॉक्टर मेरे ना हस्बैंड एक तो अपनी केयर नहीं करते। हाँ जी, बिल्कुल नहीं केयर करते। अच्छा जी, और उनको कुछ बोल भी दो तो वो उस बात को मानते ही नहीं है। अच्छा अच्छा, कुछ अच्छा भी बोलो तो वो भी नहीं मानते, गलत तो क्या मानना। हाँ नहीं वो तो बात ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उनकी केयर के लिए भी बोलो तो तब भी कहेंगे तू ही कर ले, बस मेरे बस का कुछ नहीं तो हो जाता, कोई बात नहीं। हाँ, भगवान, और मैं तो इतनी फैन हूँ, मेरा बस नहीं चलता, अगर मेरे पास पैसा होता ना डॉक्टर मैं अपने शहर में आपका शिविर लगवा दी। ना ना कोई बात नहीं, ये तो मन की भावना होती, पैसे से कभी शिविर नहीं लगता, ये भी मैं बता देता हूँ। आप कहाँ रहते हो ये बताओ सरिता जी? मैं हरियाणा कैथल में रहती हूँ। तो पैसे की आप चिंता मत करना, बस आपको आयोजित कर दूंगा, आप डेट बता देना, जो हमारे नीचे नंबर चल रहा ना उसमें सुदामा से एक बार बात कर लेना, तो कैथल में शिविर लगाएंगे और आपके ही लगाएंगे, कोई चिंता नहीं है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सरिता जी, आपकी जो मन की इच्छा थी वो भी बंसल जी ने देखी पूरी कर दी,
अब शिविर भी लगने जा रहा है आपके यहाँ कैथल में, बस जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है नंबर पे फ़ोन करके बता दीजिएगा कि मेरे लाइफ और बंसल जी से बात हुई है और शिविर लगाने को लेकर मुझे आपको से कुछ जानकारी हासिल करनी है, कुछ जानकारी देनी भी है, तो आप सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। और एक बात और बता दो दर्शकों कि अगर आप अपने शहर में बंसल जी के मार्गदर्शन में शिविर लगवाना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं वैदिक उपचार मंगवाने के लिए, भी सारी जानकारी आपको इन्हीं नंबर्स पे दी जाएगी जो कि इस वक्त है आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो फटाफट से इन नंबर पे आप फोन कर लीजिएगा। आइए कुछ लोगों से हम आपको और मिलवा दें जो कि वैदिक उपचार का सेवन कर रहे हैं। वैदिक उपचार का सेवन करने के बाद क्या रहा उनका एक्सपीरियंस, क्या वैदिक उपचार ने लाभ दिया या फिर नहीं, आइए खुद देखिए उनको। बुध और बृहस्पतिवार को हमने नाड़ी परीक्षण, जो लोग बहुत ज़्यादा रोगी हैं, जो ज़्यादा परेशान हैं, हमारे सेंटरों में आकर नाड़ी परीक्षण कराकर अपना इलाज करा सकते हैं, आयुर्वेदिक भी, योग द्वारा भी और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा भी। तो जो हमारा बॉम्बे का सेंटर है, जो पूना का सेंटर है, मेरठ का सेंटर है, उल्लासनगर का सेंटर है और दिल्ली का सेंटर है और ग्वालियर का सेंटर है, तो इनमें आके आप अपना नाड़ी परीक्षण बुध और बृहस्पतिवार को, क्योंकि यहाँ पर हमारे पूरे डॉक्टर बैठे रहते हैं बुध और बृहस्पतिवार को, तो आकर अपना नाड़ी परीक्षण कराएं और वैदिक उपचार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अंकित जी। कहाँ से हैं? किशनगंज से, दिल्ली से। अच्छा जी, वैदिक उपचार ले रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी ले रहे। क्या परेशानी थी आपको? ये एलर्जी थी जी, नाक में छींके वगैरह आती थी, कफ बहुत रहता था 4-5 साल से। और कोई परेशानी उसमें? नाक से पानी भी आता था? पानी तो कम आता था लेकिन कफ बहुत रहता था, गाढ़ा गाढ़ा कफ रहता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी, सिर में दर्द वगैरह रहता था। वैदिक उपचार कितने समय से ले रहे हैं? अभी तो सर 15 दिन से दवाई शुरू करी है। अभी कैसा लग रहा है? रिलीफ, बहुत रिलीफ है सर। कितना परसेंट? 50% से ऊपर ही रिलीफ है। जो टैबलेट हम खा रहे थे वो तो बिल्कुल बंद ही है, तो थोड़ा बहुत कफ होता है ना के बराबर। कौन सी टैबलेट ले रहे थे? वो एलर्फिक्सम ले रहे थे, एलोपैथिक मेडिसिन। एलोपैथिक मेडिसिन थी। कितने दिन से ले रहे थे पहले? वो 4 साल से ले रहा हूँ, 5 साल से कम से कम। अब बंद कर दिया? वो 15 दिन से देखी ही नहीं टैबलेट की, वो है कहाँ रखी, कहाँ घर में, मुझे पता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ रही। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप साथ में इनके? हाँ जी मम्मी, उसके नहीं, वैद्य उपचार बहुत अच्छा है। तो आपका क्या मैसेज है पेशेंट्स को? हम तो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आके मतलब फायदा उठाएं, बहुत फर्क पड़ता है। एलोपैथिक में साइड इफेक्ट्स भी हैं, सब कुछ है इसमें, कोई भी मतलब रिलीफ भी बहुत ज्यादा मिल रहा है, जल्दी रिलीफ मिल रहा है। आयुर्वेदिक में इतने दिन दवाई करके भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें बहुत जल्दी रिलीफ मिल रहा है। मेरी वाइफ भी लेगी थी, उसको भी बहुत रिलीफ है, बहुत टेस्टिंग भी कराई, सब कुछ कराई, लेकिन उसके बाद ज्वाइंट्स में पेन था उनके। अब तो बहुत रिलीफ है, उनकी दवाई बंद भी होने वाली है, सिर्फ 2 ही महीने खाई है, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। अगर कोई भी आपको और परेशानी है तो हम जल्द ही अब शिविर लगाने लगे हैं, उन शिविरों का आप हिस्सा बनिए। उसमें आपको जो मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी योग की विद्या थी, योग के द्वारा तो भगवान को पाया जा सकता था, ये छोटी मोटी बीमारियाँ, ये जो दुख दर्द है, ये कैसे दूर हो, क्योंकि योग बहुत बड़ी साइंस है और जो हमारे वेदों में बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर हम वेदों का 10% भी हिस्सा करने लगें तो हमारे जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आ सकता है। अब जो हमारे शिविरों के जो आगे विवरण जा रहे हैं तो आप अपने शहर में भी देख सकते हैं, तो उन शिविरों का हिस्सा बनिए और अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करिए। क्या नाम आपका? नौशाद खान। कहाँ रहते हैं नौशाद जी? ओखला। क्या तकलीफ थी आपको? सर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था थोड़ा। प्रोस्टेट का कब था आपको? 2 साल पहले। तो वैदिक उपचार कब से कर रहे थे, कब करवाया था आपने? मिलता कि 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल पहले करा था? हाँ 1.5 साल। कितने महीने किया आपने? मैं तो 1 महीने किया, उसमें बंद कर दिया मैंने। अच्छा, एक महीने वैदिक उपचार से क्या लाभ मिला? पूरा फुल रिलीफ हो गया मुझे। प्रोस्टेट ठीक ही हो गया? जी ठीक हो गया। अरे वाह, अच्छा जी, ये तो कमाल हो गया। अच्छा, आप लोग फिर दवाई भी खाई आपने? नहीं, उसके बाद नहीं खाई। एक्सरसाइज जो हमने योग बताया था वो करती रही? जी जी जी। अच्छा, वो आज भी कर रही हो? जी। अच्छा, उसी का कमाल है ना जो अब तक ठीक हो आप? जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो आज कोई और प्रॉब्लम के लिए आए हुए? पेट के लिए। पेट के लिए? कुछ मतलब ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, बहुत अभी पहले से। कितना लाभ?
उसमें धन में कितनी बढ़ोतरी हुई है? अभी आपको कोई टेंशन नहीं है? अभी आपको कोई टेंशन नहीं, सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है। तो आप ये कितने समय समय से कर रहे हैं? उपाय कितने समय से कर रहे हैं? अभी लास्ट ईयर एक ही साल लगाया हमने। एक साल लगाया? एक साल लगाया। अभी इस साल सावन के महीने में। बंसल जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं 6 साल से प्रोग्राम देख रही हूँ और बंसल जी के बारे में जितना भी कहा जाए शब्दों की कमी है। इतने अच्छे हैं वो और सारे डॉक्टर सिर्फ अपनी थेरेपी और जो रोग है ना उसके लिए बताते, लेकिन ये हमारे गुरु और हमारे भगवान जी जैसे सब चीजों के लिए बताते। आप अपने अड़ोसी पड़ोसी किसी को बताते हैं के बारे में? हम सबको बताते हैं, हम देखने के लिए बोलते हैं। हम कम से कम 7 से 8 सालों से प्रोग्राम देख रहे हैं। अगर आप भी हमारे इन शिविरों में आके, हम हर एक चीज़ का पूरा बताते हैं, उसमें क्या योग करना है, क्या प्राकृतिक चिकित्सा करनी है, और जो हमारे आगामी शिविर अब लगते जा रहे हैं उनकी आप डिटेल जो हमारा फ़ोन नंबर चल रहा है इस पर आप ले सकते हैं और अपने शहर में भी शिविर लगवा सकते हैं। जो हमारे शिविर आगे लगने जा रहे हैं आप भी अपने शहर में लगवा सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो हमारे शिविर में आएँ और इसका लाभ लें। वाकई में दर्शकों, जितनी खुशी आप लोगों को मिलती है ना सही होने के बाद में, ठीक होने के बाद में, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा खुशी हम लोगों को मिलती है। बहुत अच्छा लगता है बंसल जी ये सुनकर कि लोग कहते हैं कि अब देखिए, अब इनका बच्चा इनके कहना नहीं मानते थे, लेकिन उपचार करने के बाद, उपाय करने के बाद बच्चे कहना मान रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़े भी कम हो गए हैं, इनका जो मकान बनाने का ख्वाब था वो भी पूरा हो रहा है, घर में खुशियाँ हैं, गाड़ी भी आ गई है। अब कह रही है सबसे बड़ी बात कि मुझे कोई टेंशन नहीं है अब किसी की तरह की। देखो ऐसा ना, उपाय हमारे परफेक्ट है, हम तो यही कहते हैं परफेक्ट है। देखो हम अब ज़्यादा नहीं जानते पर जितना जानते अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हम कहते हैं भैया हम सब कुछ, मैंने देखो 52 साल की एज होगी, 53 होगी अब, तो हमने ये जाना कि हम कुछ नहीं जानते, लेकिन जितना जानते हैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा ये हम ज़रूर जानते हैं, और जैसे जैसे आप उपाय करोगे वाक्य में ही ये लाभ देंगे। हो सकता है चाहे 10% दें, हम ये नहीं कहते 100% देंगे, चाहे 10% देंगे, देने जरूर लग जाएंगे, और 3 साल में तो पूरा रिजल्ट आ जाता है। देखो 6-7 साल से ये देख रही थी, इनके हस्बैंड भी 3 साल से देख रहे हैं, मियाँ बीबी के झगड़े बिल्कुल ही खत्म हो गए, बच्चे कहना नहीं मानते थे वो मानने लग गए, मकान बना भी लिया, नया मकान बनाया, और वो फिर परेशानी थी किराए पर नहीं जाता था तो किराए पर भी चला गया, जैसे ही दिया लगा किराए पर चला गया। इसलिए मैं कहता हूँ दिया हमारा आज तक फेल हुआ ही नहीं है, आज तक फेल नहीं होता, ये तो यम का दिया, ये फेल होता ही नहीं, इतना ज़बरदस्त हमने सिद्ध किया हुआ है। वो हम जानते हैं कैसे हमने सिद्ध किया हुआ है, इसको जिस जिसने भी किया है और जैसी श्रद्धा से किया है आज तक फेल नहीं हुआ, आज तक फेल नहीं हुआ। और अब मैं आगे, वैसे बहुत से दिया नहीं मंगा पाते थे, तो मैं कोशिश करूँगा कि दिया मैं अपनी तरफ से फ्री भेजने की कोशिश करूँ, जो आदमी कहीं नहीं करते, क्योंकि दिए से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, तो दिए को हो सकता है मैं आगे आने वाले टाइम में फ्री देने लग जाऊं, क्योंकि दिए का बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो इसका जो पूरा एक सेट मंगाएं बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। एहसास टीवी के कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर। वीडियोकॉन D2H के लिए 484 नंबर पर देख सकते हैं, सिटी पे 88 नंबर पर, हैथवे पे 827 नंबर पर, डेन पे 863 नंबर पर और फास्टवे के 415 नंबर पर अब आप अपना एहसास टीवी चैनल देख सकते हैं।